तो सबसे पहले जो बात हो रही थी वो थी लॉकडाउन को लेकर जो कुछ बदलाव आया है अभी अपने इंडिया में, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक मिशन है कि स्वदेशी को अपनाने का एक ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए कि हम लोग अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए हम विदेशी लोगों के ऊपर किसी अलग कंट्री के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर ऐसे बहुत सारे सामान है जिसके लिए हम अपने देश से नहीं बाहर के देश पर निर्भर करते हैं। तो उनका एक मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग को स्वदेशी बनना है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर का बटन दबाएं अचानक से सब लोग स्वदेशी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट कुछ चीज ऐसी है जिसको बदला जा सकता है और हम लोग बदल सकते हैं। तो पहले एक एक करके सब कुछ को चेंज करना है जो कुछ मुमकिन हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो अगर सेम प्रोडक्ट किसी अलग कंट्री का मिल रहा है हमारे पास और सेम प्रोडक्ट इंडियन कंपनी में मिल रहा है और उसी प्राइस में या उससे कुछ कम में, तो हम प्रिफर करेंगे इंडियन ब्रांड को। इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। अचानक से अगर बंद कर देंगे हम विदेशी ब्रांड को, तो अभी जो हम लोग रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से जूम मीटिंग के माध्यम से, यह भी इंडिया का नहीं है। हम जिस आईफोन से अभी ऑनलाइन हो रहे हैं यह भी इंडिया का नहीं है, और ऑलमोस्ट सभी लोग जो अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इसका बाहर में हुआ होगा। तो ये अचानक से बंद नहीं हो सकता है, मगर कुछ कुछ चीज ऐसी है जैसे कि अभी हमारे अपने खुद की कंपनी में होमा का ऐसा ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है जो, जैसे कि अगर हम बात करें ज्वाइंट पेन ऑयल की, तो वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि अगर आप इसी सेम प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपनी का लेंगे तो वो स्वदेशी होगा भी नहीं, अगर होगा भी तो वो इस प्राइस रेंज में मिलेगा नहीं, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट होगा नहीं। अगर हम कॉलगेट की बात करें तो उससे अगर कंपेयर करते हैं अपने हर्बल टूथपेस्ट को, तो इसका जो क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन है और प्राइस भी अगर देखा जाए खपत के अकॉर्डिंग अगर चेक करें इसको तो ये काफी सस्ता पड़ता है हम लोगों को। जो भी लोग अभी हम लोग का हर्बल टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उनको मालूम रहा होगा ये चीज कि कितना कम पेस्ट को हम लोग यूज करके काफी दिन तक चला पाते हैं अदर पेस्ट के कंपेयर में। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो यहाँ हमारे पास जो प्रीमियम टी है, बासमती राइस है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि हमारे अपने खुद के ब्रांड इंडियन ब्रांड में है और WHO से सर्टिफाइड भी है, उसके साथ स्वदेशी भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग शिफ्ट करें थोड़ा बहुत। साथ ही आज के इस मीटिंग में एक बात हुआ था कि अभी वो तो मिशन हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि हम लोग को स्वदेशी बनना है, उसके लिए हम लोग को मिलकर काम करना है। बाकी हमारे कंपनी का और हमारी ग्रेट अपलायन का, महागुरु लोगों का एक मिशन है कि जितने भी लोग हैं, जो भी लीडर हैं, वो लोग अपने टीम से ऐसे 10 लोग 20 लोगों का नाम छांट लें और उन लोगों को जो है एक मिशन पे काम कराना है कि 1,000 रुपया का चेक बनवाना है हर सप्ताह। जैसे कि अभी जो सप्ताह एंड हुआ है और ये फिर नया सप्ताह स्टार्ट हुआ है हम लोगों के शॉप में, तो इस सप्ताह में जो है 1,000 रुपया का चेक बनवाना है हर किसी का। तो वैसे 20 लोगों का, 10 लोगों का, 5 लोगों का, जितने भी लोग लेफ्ट से और राइट से हो सके उन लोगों का नाम छांट लेना है, लिख लेना है और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है कि उसका 1,000 का चेक कैसे बने, या फिर जो 500 के लायक है इस सप्ताह में 500 कर सकता है, वो 500 का चेक कैसे बने। तो वो चीज हो गया। उसके अलावा हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि संडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन एक ग्रुप में प्लान दे रहे थे, मगर जब ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर प्लान हुआ और वहां से जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, फीडबैक मिलना शुरू हुआ सब लोगों को, सर लोगों को, तो वहां से मालूम चला कि हम लोग जो ग्रुप में प्लान करते हैं सो और 1-to-1 प्लान जो होता है सो, दोनों में डिफरेंट देखा गया। जो लोग 1-to-1 प्लान किए उसका रिजल्ट बेहतरीन आया। उसका रीजन एक ये है कि अगर हम ग्रुप में प्लान करते हैं तो हम लोग प्लान में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि जब हम प्लान दे रहे होते हैं तो हमको बिल्कुल पता नहीं होता है कि इसमें कितने लोग ज्वाइन है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है प्लान देने के ऊपर, स्लाइड मूव कराने के ऊपर, और कितने लोग इसमें ज्वाइन किए, कितने नए लोग हैं, किस टीम से कितने लोग हैं, हमको तो बिल्कुल पता नहीं होता ये चीज। उस कारण से हम किसी का फॉलोअप भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ सर आपको ये प्लान देखे, आपको ये प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, फिर इसके ऊपर हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कितने लोग सिस्टम में ज्वाइन करके इस प्लान को देख रहे हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि जिस तरह से हम सुबह में 2 घंटा या 1 घंटा या फिर शाम में 1 घंटा 2 घंटा पहले काम किया करते थे 1-to-1 के माध्यम से, वैसे ही सेम काम करेंगे अभी भी। वो जूम मीटिंग के ही माध्यम से हम लोग एक एक करके जिसको भी गेस्ट को प्लान दिखाना है, जैसे कि अभी हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि प्लान प्रॉपर अच्छे तरीके से दे पाते हैं, तो एक वो रहेंगे, एक जो उनको इनवाइट करेंगे वो रहेंगे, और तीसरा व्यक्ति वो गेस्ट रहेगा, चौथा व्यक्ति अगर किसी को आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यानी कि किसी एक गेस्ट के ऊपर फोकस करके उनसे डायरेक्ट रूबरू होकर उनसे बात करना है इसी जूम मीटिंग के माध्यम से, और 1-to-1 प्लान देने का कोशिश करना है। हर रोज हम लोग लिस्ट अपडेट करेंगे और
और कल के डेट में किसको प्लान देना है उसको इन्वाइट करेंगे, उससे टाइमिंग ले लेंगे, सुबह का टाइम या शाम का टाइम, और उसी टाइम में उसके टाइम के अकॉर्डिंग जो हम लोग उसको इसी सेम लाइव जूम मीटिंग के माध्यम से प्लान देंगे। एक वो चीज हो गया, इसमें जो है रिजल्ट ज्यादा देखने को मिला हम लोगों को, और हमारे अपलाइन के सीरीज में जो भी लोग सर लोग बता रहे थे इसी बात पे, अंजन सर जो है वो बता रहे थे। साथ ही कंपनी की तरफ से एक ऑफर समझिए कि जैसे ऊपर से गाइडलाइन आता है कि हम लोगों को ज्वाइनिंग कराना है मिनिमम 200 बीवी से, बट अभी कुछ दिनों के लिए जो है एक ऑफर मान लीजिए इस चीज को, क्योंकि सभी प्रोडक्ट अभी ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। उस कारण से अगर रिटेल सेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं और 200 बीवी को उपराते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके लिए एक ऑफर बताया गया है कि आप चाहें तो अपने लीडर को इन्फॉर्म करके और कुछ वैसे लोगों का टीम बनाना है अगर, तो 200 बीवी से कम में भी किसी का ज्वाइनिंग करा सकते हैं अभी कुछ दिनों के लिए। आप चाहें तो 150 बीवी से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, 100 बीवी से ज्वाइनिंग करा सकते हैं, और चाहे तो 50 बीवी से भी आप सिस्टम में ज्वाइनिंग करा के उसे इसी जूम ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन कर सकते हैं, चाहे कि जब लॉकडाउन का सेशन खत्म हो तो वो बहुत बड़ा काम कर सके। हो सकता है वही व्यक्ति जो अभी आपके नीचे में 50 बीवी से ज्वाइनिंग किए हैं और वही व्यक्ति आने वाले दिन में 10-12 लोगों का ज्वाइनिंग करा के लॉकडाउन के जस्ट बाद यहाँ से बहुत बड़ा काम को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जो कि हम लोग के यूज का चीज है और कंपलसरी कर दिया गया है, वो है फेस मास्क। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपको उसका फोटो देख के ही मालूम चल रहा होगा, जो कि 10 पीस का एक बंडल है, और आप चाहे तो उस 50 बीवी में एक 10 बीवी का वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक एसोसिएट का ज्वाइनिंग जो है आप यहाँ से 60 बीवी से कर सकते हैं। साथ में सर बता रहे थे आज कि थर्ड पार्टी टॉक बिल्कुल कंपलसरी कर दीजिए आप लोग, जैसे कि अगर मान लिया कोई ऐसे आपको एसोसिएट है जिससे आप बात करते हैं, जिसका आप फॉलोअप कर रहे हैं और वो आपके फ्रेंड है, तो आप भले ही कितने बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ा सम्मान आपका इस सिस्टम में मिल रहा है, लेकिन आपको वो एज ए फ्रेंड ट्रीट करेगा, एज ए रिलेटिव ट्रीट करेगा। उसका निगेटिविटी क्या होता है कि जब आप उनसे बात करेंगे और उनका फॉलोअप करेंगे तो वो आपको जो है ना एज ए फ्रेंड ट्रीट करेगा और आपके इस सिस्टम की बात को नहीं समझेगा, वो मानेगा ही नहीं बिल्कुल। उसके लिए करना का किसी थर्ड पार्टी से आपको उसका टॉक कराना है, जैसे कि आपके कोई दोस्त हुए, आपको प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद जब फॉलोअप करने का बात हुआ तो वो आप उनको किसी अपने अपलाइन के माध्यम से या किसी ऐसे लीडर के माध्यम से उससे बात करा कर और कॉन्फ्रेंस पर बात करके उनसे आप उनका टॉक करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि रिजल्ट जो है वहां से बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा जानता नहीं है कि वह किस लेवल पे है और किस टीम से है, कुछ भी उसको पता नहीं होता है। बहुत ही इजी टू कम्युनिकेट है, आप किसी को भी फोन करके उनसे टाइम ले लीजिए आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और उनसे जो है वो बात करा दीजिए। उसके अलावा एक आप लोग को अभी ग्रुप में जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको मालूम होगा कि अभी एक नया नया ऑफर निकला है 16th of June तक के लिए, ऐसे लोगों का जिन लोगों का चेक जो है 15,000 से कम बन रहा है। क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे जॉब है जो कि लोगों को हाथ से निकलता जा रहा है, बहुत सारे बिजनेस है जिसमें नुकसान का सौदा होता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो कि खत्म होती जा रही है, यानी कि जहां हर जगह महामारी है, पैसे की किल्लत है, वहां हमारी बड़ी सोच वाली डायरेक्टर और बहुत बड़ी सोच वाली कंपनी जो है हम सभी के लिए एक ऑफर निकाली है कि जिन लोगों का भी 15,000 से कम का इनकम आ रहा है उन लोगों को 15% एक्स्ट्रा ऐड करके कमीशन मिलेगा। ये 16th of June तक के लिए लागू किया गया है। तो एक चीज ध्यान दें कि आप भी किसी की अपलाइन है, अगर आप जैसा सोचेंगे ये बिजनेस 100% जो है डुप्लीकेसी का है, आपके टीम में भी वैसा ही संस्कार जाएगा, आपकी टीम भी वैसा ही सोचेंगे, तो यही बात सच है कि अगर हम और आप काम करेंगे तो हमारे अपलाइन के ऊपर जो है चेक ज्यादा बनेगा, ये सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन वही चीज समझिए कि आपके नीचे भी कोई आपका ग्रो लाइन है या फिर आने वाले दिन में होगा, तो जिस तरह से आप अभी सोचेंगे वैसे ही आपके टीम मेंबर सोचेंगे और उनके सोचने की वजह से आज आपका चेक बनेगा और आपके सोचने की वजह से आपके ऊपर वाले का चेक बनेगा, तो ये कंटिन्यू होते रहेगा। यही कुछ बातें थी जो आज हमारे महागुरु मिस्टर अंजनी कुमार सर ग्रुप मीटिंग में आकर 1 बजे वाला सेशन में आकर हम लोग से बात किए थे, तो यही सब कुछ बातें थी, उसमें सब कुछ छूट गई होगी। वो हमारे अपलाइन मिस्टर गणेश सर जो कि अभी अनम्यूट है, वो कुछ बातें करेंगे हम लोगों से, और उसके बाद जिनको भी मौका मिलेगा वो अपनी अपनी राय। बहुत बढ़िया सर, तो आज जो अनसरुद्दीन सर ने जो बातें रखी वो 100% सर के द्वारा ही बताई गई थी, और यहाँ पर हमने सर को बोला कि चलिए आप ही आज इस बात को रखिए। तो कुणाल सर अभी आप जितना व्यस्त रहते थे, जी जी धन्यवाद। नेक्स्ट आभा दीपिका मैम है जो कि रांची से हैं, तो रेनू मैडम से हम जानना चाहेंगे कि आने वाले वीक में महताब जी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, हम अब दिल्ली से शबाना मैडम से जानना चाहेंगे।
और आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। नवाज सर से जानना चाहेंगे, मुंगेर से हैं नवाज सर। आगे हमारे लाल बाबू सर हैं, मस्तीपुर से ही हैं, और कहीं ना कहीं आज हम कहें तो पूरे टीम में स्टूडेंट के लिए। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर रहमान सर हैं, रहमान सर भी अपनी बात को रखें। हाँ मोइन सर से ही जानना चाह रहे थे, हम भी वही बोलने वाले थे।